अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मम्मी किचन में आपका स्वागत है। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की रेसिपी है हरभरा चना खीमा की सब्जी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हरभरा चना खीमा की सब्जी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ पर लगने वाले हैं वो है 250 ग्राम खीमा, मटन खीमा, 250 ग्राम हरभरा चना, एक बारीक कटी हुई प्याज, आधा टोमेटो, 10 से 12 लहसुन, 4 से 5 छोटी हरी मिर्च जो कि तीखी है, और आधा कटोरी धनिया। तो अब हम इन्हें ग्राइंड करने वाले हैं। तो हमने इसे पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, और टोमेटो को हमने बारीक काट के इसमें डाला था ग्राइंड करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम यहाँ पर हमारी प्याज को भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छे से सॉटे कर लें। हमें इसे थोड़ा ही भूनना है इसका कच्चापन जाने तक। हमें इसे अच्छे से पर ऐड किया है धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और टोमेटो का जो ग्राइंड किया हुआ था वो पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसे भी अच्छे से अनियन के साथ मिक्स करेंगे और अच्छे से सॉटे कर लेंगे। ये जो पेस्ट है वो जले ना, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हमने इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लिया था। अब हम हमारा खीमा ऐड कर देंगे। इसमें लाए बनाने वाली खीमा को भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे पेस्ट के साथ। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऐड किया है। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 या 2 चुटकी हल्दी, बस थोड़ा सा ही ऐड करना है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब हमारा ऑयल गरम हो गया था तो हमने ऑनियन को ऐड किया था, तो हमारा फ्लेम लो ही था। जब भी हमने पेस्ट ऐड किया तभी भी हमारा फ्लेम लो ही था, और जब हमने खीमा ऐड किया उसके बाद हमने लो मीडियम पे फ्लेम को किया था। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा खीमा भी अच्छे से भुन चुका है। तो जो हमने ये धो के रखा हुआ था हरभरा चना वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून जितना, और इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। और अब हम 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो इसे और 5 से 6 मिनट है बनने के लिए। तो अगर आपके पास ये कांच वाला अगर ऊपर ढकने के लिए नहीं है तो आप ऐसे स्टील का प्लेट भी रख सकते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। 1 कप इतना पानी आप इस प्लेट के ऊपर ऐसे डाल दीजिएगा ताकि आपके चने अच्छे से, हरभरा चने आपके अच्छे से बन जाए। तो अभी हम
हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इस पे गार्निशिंग के लिए धनिया डालेंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। आप इसे परौठे के साथ भी खा सकते हैं। आप सब भी खाने के लिए बहुत टेस्टी बनी है और एकदम यम भी है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंजूसी ना करें सब्सक्राइब करने में, और हमारा हौसला भी बढ़ाइए। और आपको कैसी लगी ये रेसिपी ये भी कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो अल्लाह हाफिज़।